भी नहीं वो एक बार आए थे उन्होंने एक बार वीडियो बना दिया मेरी तारीफ में वो ये बोल दिया उन्होंने कि निक्की सुमित ऐसे नहीं ऐसे हैं तो उस टाइम पे उन पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो गए थे कि सचिन कौन होता है आपकी फैमिली में इन्वॉल्व होने वाला सचिन को इन्वॉल्व कैसे किया सचिन को घर की बातें कैसे पता है सचिन को ये कैसे पता है सचिन को वो कैसे पता है बहुत सारे लोग इनफैक्ट दीदी जी ने भी बोला था कि आपने सचिन को इन्वॉल्व क्यों किया सचिन को नहीं करना चाहिए था इन्वॉल्व दीदी जी ने भी बोला था तो मैं आपको बोलूं जब सचिन इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं आप भी हमारे काम, काम में ज्यादा इन्वॉल्व होना हमारे पास तो यार हो ही नहीं पाता समय कि हम अपने भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इतना समय नहीं मिल पाता है पता नहीं कैसे लोगों को टाइम मिल जाता है इतना समय मिल जाता पूछ थे कि दीदी आपने आप जो स्टॉक में कभी क्यों नहीं गए आप यहां क्यों नहीं गए आप वहां क्यों नहीं गए तो काफी टाइम से ये क्वेश्चन थे जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो आके कॉमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ जी ये क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी लोगों ने खिल्लिया उड़ाते हुए भी पूछा था एंड बहुत सारी चीज़ों में पूछा था तो मैंने चलिए तो चलिए मैं मान लेती हूँ आपने मेरे लिए सोचा आपने इतना मेरे लिए सोचा कि अरे मैं इसको बचा लेती हूँ इससे पहले आपने मेरे लिए क्यों नहीं सोचा था जब अभी कुछ टाइम पहले ऐसे ऐसे वीडियोस डाले थे तब मेरे लिए क्यों नहीं सोचा था आपने और अभी भी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बोलूंगी कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं कमेंट में लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई तो यहाँ पे तो निक्कू बात कर रही है अलका जी को लेके कि अलका जी हमारे घर के मैटर में घुसती हैं जो अलका है उनके ऊपर निक्कू भड़क गई है और का कहना है कि हमारे ऊपर कोई भी केस हो कुछ भी हो तो आप कौन होती है हमारे घर में घुसने के लिए और जो जो स्टॉक वाली थी उससे उनका बात हो चुका था निक्कू का क्योंकि निक्कू गलती से उनका जब आया था मैसेज जोश का कि इंटरव्यू के लिए तो वो हाइट करना भूल गई थी और पूरा स्क्रीन लगा दी थी अपने वीडियो में कि देख लीजिए मुझे भी आता है बट मैं जाती नहीं तो इस चीज़ को ले कर जो जोश स्टॉक वाली रहती है वो कॉल करती है कि आप डिलीट कर दीजिए तो निकू उस वीडियो को डिलीट कर देती है और अलका जी को शायद लगा कि केस वेस हो जाएगा तो इसके वजह से अलका जी उनकी फ़ैमिली से बात करना चाहती थी और ये लोग बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे तो उस पर काफ़ी चीज़ें झगड़ा विगड़ा हो गया इन लोग के बीच में और वहीं पे अलका बोल दी कि जो अपने भाई का नहीं हुआ भाई को गाली सुनवाता है वो मेरा क्या होगा और तब वही पर सुमित बोल दिए कि आप अपना घर नहीं संभाल पाए दूसरे को चली हैं संभाल संभालने इस पर अलका काफ़ी भड़क गई और एक वीडियो डाल देती हैं जिसपे निक्कू फिर वीडियो बनाती है पूरी बातें अपना क्लियर करके बताती है। नहीं बात ऐसे थी तो इस पे कोई अपना राय तो नहीं दे सकता कौन सही कौन गलत तो निक्कू का साफ कहना है कि हमारे फैमिली मैटर में आप मत घुसो तभी अच्छा होगा ये जो सबके फैमिली में घुसते हो ना जैसे सपना के फैमिली में घुसते थे हम नहीं चाहते कि हमारे फैमिली में घुसो तो हमारी फैमिली से दूर ही रहो तो चलिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को फॉलो कर लो